नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक कैड ट्यूटोरियल में। मैं हूं अंकित और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो कैड के आर्क कमांड के बारे में। आई होप कि मेरे प्रीवियस वीडियो आपको अच्छा लगे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आर्क कमांड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्क टूल आपको कहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर करंटली मैं हूँ ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्कस्पेस में। तो सिंपली रिबन में होम टैब में चले जाइए या फिर ड्रॉप पैनल में आपको यहाँ से आर्क टूल मिल जाएगा। तो सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 11 ऑप्शंस मिल जाते हैं आर्क ड्रॉ करने के लिए। तो हम वन बाय वन इसे देखेंगे। उसी तरह से अगर आपके पास मेन्यू बार अवेलेबल है तो चले जाइए ड्रॉ टैब पे, यहाँ पे ऑप्शन है आर्क का, और वही सेम 11 ऑप्शंस यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। आर्क कमांड आप कमांड बार से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की है ए को आर्क, और एंटर करने के बाद आप आर्क कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे आर्क की आइडेंटिफिकेशन हम जान लेते हैं कि आर्क के कौन से पॉइंट्स होते हैं, उसे कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी आर्क लेंथ कॉर्ड लेंथ क्या होती है, हम जानकारी ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आर्क ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपने रीड किया होगा तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिखाया दे रहा है। सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड है, एंगल, लेंथ है, डायरेक्शंस, यहाँ पे सब ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक रेड कलर में एक आर्क निकाली है। जैसे ही आर्क को हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्लू चेक्स में आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट पॉइंट्स या स्नैप पॉइंट्स इसके आप पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट साइड में रहेगा उसे हम कहेंगे स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद आर्क के बीच में रहेगा एक मिड पॉइंट, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में रहेगा एक एंड पॉइंट। उसी तरह से आर्क का एक यहाँ पे आपको मिलेगा सेंटर पॉइंट, इसी सेंटर से यहाँ पे ए आर्क बनी है। ध्यान रखिए कि आर्क एक सेगमेंट है सर्कल का। तो जैसे ही आर्क हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स होंगे दो, एंड पॉइंट ये और ये है फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट। हमने इसे स्टार्ट पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड में अगर आप आर्क ड्रॉ कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन रहेगी काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि आपको स्टार्ट पॉइंट यहाँ से लेना है और एंड पॉइंट इस डायरेक्शन में, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको लेना है। तो आर्क में दो एंड पॉइंट होते हैं, अगर इस दो एंड पॉइंट को आर्क के सेंटर पॉइंट से मिलाया जाए तो ये दो लाइन बनती है यहाँ पे, और इसका एंगल आपने काउंट किया तो यहाँ पे 140 डिग्री जो है इस आर्क की डिग्री है, इस आर्क का एंगल है। तो इस प्रकार से आर्क के दो एंड पॉइंट उसके सेंटर पॉइंट से जोड़ दीजिए, जो लाइन बनेगी उन लाइन का एंगल बनेगा आर्क का एंगल। उसी तरह से आप यहाँ पे आर्क की लेंथ यहाँ से काउंट कर सकते हैं, इसे मेजर कर सकते हैं, उसका डायमेंशन यहाँ से दे सकते हैं। तो सिंपली डायमेंशन टूल में चले जाइए तो यहाँ पे देखिए आर्क की लेंथ का टूल यहाँ से मिल जाएगा, इसे आप आर्क की लेंथ काउंट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्ड लेंथ। कॉर्ड लेंथ का मतलब ये है कि अगर आपने कोई आर्क निकाली है तो आर्क के दो एंड पॉइंट एक सीधी लाइन से जोड़ दीजिए, ये जो लाइन रहेगी इक्वल, इसे कहेंगे हम कॉर्ड लेंथ। यानी कि इस लाइन की कोई भी लेंथ है, यानी कि 11.365 है, तो उसे कहेंगे ये कॉर्ड लेंथ है। कॉर्ड लेंथ के बारे में हम एक याद रखेंगे एक बात कि आर्क की कॉर्ड लेंथ उसके डायमीटर से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ आर्क की उसका सर्कल का डायमीटर रहेगा। जैसे कि हम स्पेसिफाई करते हैं आर्क की रेडियस, आर्क का डायमीटर कभी स्पेसिफाई नहीं कर सकते। हालांकि हम यहाँ से डायमीटर दे सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में या फिर कोई भी ड्राइंग में आर्क का डायमीटर कोई नहीं देता, ये गलत बात है। आपको स्पेसिफाई इसकी रेडियस ही देनी पड़ती है। तो जैसे ही कॉर्ड लेंथ के बारे में हमने जानकारी ली कि कॉर्ड लेंथ मैक्सिममली इस सर्कल की रेडियस जो है उसकी दुगना, यानी कि सर्कल का डायमीटर तक ही रहेगा, यानी कि मैक्सिमम इस आर्क कॉर्ड लेंथ होगी 12 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे रेडियस है 6, तो मैक्सिमम उसका डायमीटर यानी कि 12 यूनिट इसकी कॉर्ड लेंथ हो जाएगी। अब देखते हैं कि आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सिंपली आप यहाँ से भी आर्क कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 पॉइंट आर्क का,
तो सिलेक्ट करते हैं ये टूल थ्री पॉइंट आर्क का। जैसे ही हम आर्क पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ आर्क। तो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, देन पूछेगा स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट। तो मैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पूछेगा स्पेसिफाई एंड पॉइंट। तो सिंपली मैं यहाँ पे एंड पॉइंट क्लिक करता हूँ। तो इसी तरह से आप आर्क निकाल सकते हैं थ्री पॉइंट आर्क का। इसमें आप कोई भी आर्क की लेंथ, कोई भी कॉर्ड लेंथ या कोई भी एंगल, कोई भी डायरेक्शन डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एज अ फ्री हैंड ये आप आर्क यहाँ पे निकाल रहे हैं थ्री पॉइंट आर्क का। जैसे कमांड से आप एक्टिवेट करेंगे, जैसे कि शॉर्टकट की ए फॉर आर्क, एंटर कीजिए। तो यहाँ पे जैसी कमांड एक्टिवेट हो जाएगी वही कमांड है थ्री पॉइंट आर्क की। तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट और स्पेसिफाई एंड पॉइंट। आप सिंपली इसे किसी भी डायरेक्शन में आप निकाल सकते हैं। स्पेसिफाई फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया और ये एंड पॉइंट। इसी तरह से थ्री पॉइंट आर्क आप इजीली निकाल सकते हैं। इसे करते हैं इरेज। यहाँ पे सेकेंड देखेंगे कि स्टार्ट पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है और एंड पॉइंट है। तो चलिए ये टूल देखते हैं, स्टार्ट सेंटर एंड। जैसे ये टूल लेंगे यहाँ पे पूछेगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो सिंपली मैं स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। तो सेंटर पॉइंट यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है एंड पॉइंट। तो यहाँ पे है बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन, यानी कि ये काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अगर आपको ये डायरेक्शन रिवर्स में लेना है तो आपको सिंपली कंट्रोल की होल्ड करनी है। तो यहाँ पे देखिए आर्क की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो चुकी है, यानी कि इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड से आर्क बन रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे ही होल्ड की छोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए काउंटर क्लॉकवाइज आर्क ड्रा होना शुरू हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, होल्ड की से आप स्विच कर सकते हैं डायरेक्शन आर्क ड्रा करने के लिए। तो स्पेसिफाई एंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो सिंपली मेरे आर्क बन चुकी है स्टार्ट, सेंटर और एंड पॉइंट से। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सेम ऑप्शन, यहाँ पे सेम टूल है सेंटर स्टार्ट और एंड का। जैसे कि हमने देखा पहले स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, देन एंड पॉइंट। लेकिन यहाँ पे पहले सेंटर पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है और देन एंड पॉइंट। ये टूल सेम ही है, सिर्फ आपको सेंटर पॉइंट फर्स्ट क्लिक करना होगा। तो चलिए देखते हैं ये टूल, सिलेक्ट करते हैं सेंटर। तो यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली है स्टार्ट पॉइंट, तो स्टार्ट पॉइंट ये लेता हूँ और ये आखिरी है एंड पॉइंट, तो सिलेक्ट करता हूँ इसे एंड पॉइंट। तो देखिए ये हमारी आग बन चुकी है यहाँ पे, जिसका सेंटर पॉइंट ये है, स्टार्ट पॉइंट ये और एंड पॉइंट ये। तो इसी तरह से आप स्टार्ट सेंटर एंड या फिर सेंटर स्टार्ट एंड किसी भी टाइप से आप आर्क निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट सेंटर और एंगल। उसी तरह से यहाँ पे देखिए डाउन में है सेंटर स्टार्ट एंगल, यानी कि पहले ऑप्शन की तरह ही आपको पहले स्टार्ट पॉइंट लेना है या फिर आप यहाँ से सेंटर पॉइंट पहले ले सकते हैं। ये दोनों टूल भी सेम ही है, सिर्फ स्टार्ट पॉइंट पहले आता है और इसमें सेंटर पॉइंट पहले आता है। तो चलिए देखते हैं ये टूल स्टार्ट सेंटर एंगल का। पहले स्पेसिफाई करना है आपको स्टार्ट पॉइंट, तो स्पेसिफाई करता हूँ मैं यहाँ से स्टार्ट पॉइंट। देन करना है मुझे सेंटर पॉइंट, तो क्लिक करेंगे यहाँ पे सेंटर पॉइंट और यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई इंक्लूडिंग एंगल का। तो आप कौन सा भी एंगल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, आपको रिक्वायर्ड है उसी के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं 50 एंगल इंक्लूड करता हूँ, एंटर। तो यहाँ पे देखिए 50 यूनिट एंगल की यहाँ पे आर्क बन चुकी है। तो सिंपली आप एंड पॉइंट को जोड़ दें इस सेंटर पॉइंट से, या फिर आप डायरेक्टली एंगुलर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए आर्क का एंगल यहाँ पे 55 यूनिट बन चुका है। उसी तरह से ये भी टूल सेम था सेंटर स्टार्ट एंगल का। लेते हैं इस टूल को सेंटर स्टार्ट एंगल, तो स्पेसिफाई करते हैं सेंटर पॉइंट, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट यहाँ से और इंक्लूडिंग करते हैं एंगल 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री की आर्क बन चुके हैं। सिंपली चेक करते हैं एंगुलर डायमेंशनिंग से, तो यहाँ पे देखिए 45 यूनिट
कि आर्क यहाँ पे बन चुकी है। तो इसी तरह से आप इजीली आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। उसी तरह से सेंटर, स्टार्ट, लेंथ है। सिमिलरली स्टार्ट पॉइंट पहले, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पहले है। तो चलिए देखते हैं ये टूल स्टार्ट, सेंटर और लेंथ का। तो पहले स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, देन है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट और उसके बाद है लेंथ। लेंथ यानी कि ये कहलाती है क्वाड लेंथ, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया था कि क्वाड लेंथ मैक्सिममली उस आर्क का डायमीटर रहेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए ये लेंथ है 5 यूनिट, ये है 5 यूनिट, यानी कि सर्कल की रेडियस यानी कि 5 5, तो ये हो गया टोटल 10 यूनिट। तो मैक्सिममली क्वाड लेंथ इसकी 10 यूनिट ही होगी। उसके अलावा आपको कोई रिक्वायर्ड है अलग क्वाड लेंथ, यानी कि सिंपली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 9 यूनिट क्वाड लेंथ चाहिए मुझे, इसका था एंटर। और जैसे ही आर्क को सिलेक्ट करेंगे या फिर आर्क के दो एंड पॉइंट आप सिलेक्ट कर दें किसी लाइन से, सिंपली मैं एक लाइन लेता हूँ, ये लाइन कहलाएगी क्वाड लेंथ 9 यूनिट। तो सिंपली आप यहाँ से डायमेंशनिंग भी चेक कर सकते हैं अलाइन का। तो यहाँ पे देखिए 9 यूनिट क्वाड लेंथ की आर्क यहाँ पे बन चुकी है। सिंपली आप यही टूल ले सकते हैं, पहले सेंटर पॉइंट देन स्टार्ट देन लेंथ का। देखते हैं ये टूल, फर्स्ट लेना है सेंटर पॉइंट, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ले लेता हूँ, देन स्टार्ट पॉइंट और देन यहाँ पे मुझे एंटर करना है क्वाड लेंथ। तो अगर आपने यहाँ पे स्पेसिफाई रेडियस ले ली है तो मैक्सिममली आप उसका डायमीटर ही क्वाड लेंथ डाल सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे 10 यूनिट की क्वाड लेंथ डालता हूँ, प्रेस एंटर। तो यहाँ पे देखिए आर्क बन चुकी है, क्वाड लेंथ है उसकी 10। तो सिंपली अलाइन डायमेंशन चेक करता हूँ, आर्क का एंड पॉइंट सेलेक्ट कीजिए और आर्क का सेकेंड एंड पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए 10 यूनिट लेंथ की क्वाड लेंथ बन चुकी है इस आर्क के लिए। तो इस प्रकार से आप ये टूल इस्तेमाल कर सकते हैं लेंथ के हिसाब से, जो है स्टार्ट सेंटर लेंथ या फिर सेंटर स्टार्ट लेंथ ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बीच में अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट है, एंड है, उसके बाद एंगल डिस्क्राइब है। तो पहले हमने देखा था स्टार्ट और सेंटर के लिए, सेंटर स्टार्ट के लिए, तो यहाँ पे है स्टार्ट एंड है और डायरेक्टली एंगल। तो चलिए देखते हैं ये टूल स्टार्ट एंड और एंगल। तो स्पेसिफाई फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट रहेगा, देन रहेगा डायरेक्टली एंड पॉइंट और आपको यहाँ पे इंक्लूडिंग डालना है एंगल। यानी कि ये एंगल हमने यहाँ पे डाला तो इसका रहेगा, यहाँ से देखिए स्टार्ट पॉइंट के हिसाब से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, तो वहाँ से ही इंक्लूडिंग यहाँ पे आपको एंगल मिल जाएगा। जैसे मैं एंड पॉइंट पे कर्सर लेके जाऊँ, यानी कि वर्टिकल लाइन पे ये अवेलेबल है, यानी कि 10 यूनिट पे, तो यहाँ पे परफेक्टली 90 डिग्री बन जाता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ 45 डिग्री। तो जैसे मैं 45 डिग्री डालूँ तो यहाँ पे देखिए इसका सेंटर पॉइंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन चुका है। तो ये 45 डिग्री कैसे कैलकुलेट होती है वो हम देखेंगे। सिंपली मैं देखेंगे हम एंगुलर, तो यहाँ पे देखिए 45 यूनिट जो हमने डाला था वो है आर्क का एंगल। तो इसी प्रकार से हम स्टार्ट एंड एंगल निकाल सकते हैं, जैसे कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, स्पेसिफाई एंड पॉइंट और यहाँ पे इंक्लूडिंग एंगल। आप इस स्टार्ट पॉइंट के हॉरिजॉन्टल लाइन से आप एंगल यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं सिंपली डालता हूँ यहाँ पे 30 एंगल। तो यहाँ पे देखिए एक आर्क बन चुकी है, उसका हम एंगल चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 30 एंगल यहाँ पे बन चुका है। तो इस प्रकार से आप स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और एंगल इंक्लूड करके आर्क निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट एंड और डायरेक्शन। तो इसे हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये जानने के लिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो उसके बाद का ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट, स्टार्ट एंड और रेडियस का। ये तो सिंपली है स्टार्ट पॉइंट देन एंड पॉइंट और आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है रेडियस। ये मस्ट मोस्टली हम यूज़ करते हैं ऑटोकैड में। तो सिंपली यहाँ पे मुझे रेडियस चाहिए 5 यूनिट की, इसकी क्वाड लेंथ मैक्सिमम डायमीटर की लेंथ की बन जाएगी 10 यूनिट। तो मैं यहाँ पे
रेडियस डालता हूँ पाई यूनिट की। तो जैसे मैं यहाँ से रेडियस चेक करूँगा तो यहाँ पे देखिए आर फाइव यानी कि रेडियस फाइव यहाँ पे बन चुकी है। तो सिंपली आप ये टूल यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्ट एंड और रेडियस का। उसके बाद ये है स्टार्ट एंड और डायरेक्शन के लिए। स्टार्ट एंड डायरेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसे टेंजेंट पॉइंट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टार्ट एंड डायरेक्शन क्या है। तो सिंपली लेते हैं एक टूल स्टार्ट एंड और डायरेक्शन। तो सिंपली मैंने ये स्टार्ट पॉइंट यहाँ से ले लिया, देन एंड पॉइंट मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है स्पेसिफाइड टेंजेंट डायरेक्शन फॉर द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क। यानी कि आपको यहाँ पे इंक्लूडिंग एंगल डालना है या फिर आप मैन्युअली कहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे देखिए कर्सर मूव करेंगे तो आर्क की लेंथ आर्क की रेडियस आपको कम ज़्यादा होते हुए दिखाई दे देगी। तो स्पेसिफाई यहाँ पे मैं सिंपली डाल देता हूँ 30 एंगल। तो यहाँ पे मैंने 30 एंगल डाल दिया, लेकिन 30 एंगल का इससे रिलेशनशिप क्या है ये टेंजेंट के हिसाब से मिलेगा। तो चलिए मैं 30 एंगल डाल दिया तो मैं चेक करता हूँ इसका एंगल 30 है क्या। तो चलो चेक करते हैं एंगुलर डायमेंशन और यहाँ पे देखिए 120 डिग्री यानी कि आर्क की एंगल आर्क का एंगल यहाँ पे 120 डिग्री हो चुका है। यानी कि हमने 30 डिग्री डाला था वो आर्क का एंगल नहीं है। तो ये डायरेक्शन का मतलब क्या है हम जान लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पे देखिए हमने 30 के लिए एक निकाला था, तो सिंपली मैं एक यहाँ से एक लाइन निकालता हूँ जो इंक्लाइन रहेगी हॉरिजॉन्टल लाइन को, यानी कि ये जो स्टार्ट पॉइंट हमने लिया था उसे इंक्लाइन रहेगी 30 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे देखिए सिंपली मैंने एक 30 डिग्री की लाइन ले ली है। तो चलिए इस आर्क को तब्दील करते हैं सर्कल में, यानी कि इसी सेंटर पॉइंट से हमने एक सर्कल निकाला उसी रेडियस का। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपली सर्कल निकाला है इसी आर्क के रेडियस के हिसाब से। सिंपली मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ और इस 30 डिग्री की लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इस लाइन तक, और ये हमारा स्टार्ट पॉइंट था उससे मैंने एक हॉरिजॉन्टली लाइन निकाल दी है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये जो 30 डिग्री हमने डाला था वो है टेंजेंट लाइन इस आर्क के लिए बनी हुई, यानी कि जो यहाँ पे हमारी आर्क है ये वाली जो हमने 30 डिग्री एंगल डाला था वो ये आपको यहाँ पे लाइन मिल रही है। यानी कि इस आर्क को अगर हमने सर्कल में तब्दील कर दिया तो ये जो लाइन बनेगी 30 डिग्री की जो हमने एंटर की थी 30 डिग्री, तो उसे हम टेंजेंट बना सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ कि आर्क का जो सेंटर पॉइंट है ये जो सेंटर लाइन बनेगी हम सिलेक्ट करते हैं ये एंगुलर का डायमेंशन सिलेक्ट करते हैं ये लाइन और ये लाइन। तो ये देखिए ये 30 डिग्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसी तरह से हम सिंपली यहाँ से एक 45 डिग्री का एग्जांपल चेक करेंगे तो ये आपका करेक्ट आ रहा है कि नहीं। सिंपली टूल लेते हैं स्टार्ट एंड डायरेक्शन का, ये स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट और देन यहाँ पे डिग्री डालेंगे हम 45 यूनिट। तो चलिए एक स्टार्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टली लाइन निकालते हैं और उसी स्टार्ट पॉइंट से हम इंक्लाइन लाइन निकालेंगे 45 डिग्री के लिए। और यहाँ पे देखिए आर्क का सेंटर पॉइंट यहाँ से है वहाँ से निकालेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो एंगल बनेगा वो चाहिए हमें 45 डिग्री। चेक करते हैं इस एंगल को, यहाँ पे देखिए 45 डिग्री यहाँ पे बन चुका है। तो चलिए इस आर्क को तब्दील कर देते हैं सर्कल में, उसी सेंटर से एक सर्कल निकालते हैं सेम रेडियस का सर्कल। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल बन चुका है, तो उसी एक टेंजेंट लाइन को हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे। तो सिंपली हम एक्सटेंड करते इसी लाइन को और यहाँ पे देखिए इसी एंड पॉइंट से यानी जो आर्क का स्टार्ट पॉइंट है वही टेंजेंट पॉइंट बनेगा इस एंगल के लिए, यानी कि 45 एंगल के लिए इस सर्कल को आप यहाँ से टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये रिक्वायर्ड है मस्ट है तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल ऑटोकैड में तो मोस्टली इसे अप्रोक्सीमेट यानी कि फ्री हैंडली ये यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्टार्ट एंड डायरेक्शन जैसे कि स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट किया एंड पॉइंट सिलेक्ट किया। अगर आपको यहाँ पे मस्ट नहीं है इसका रेडियस कितना बनेगा इसका क्वाड लेंथ कितना बनेगा और यहाँ पे इंक्लूडिंग एंगल कितना मस्ट नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट फ्री हैंड
एज अ फ्री हैंड आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आर्क आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है कंटिन्यू का। अगर यहाँ पे मैंने कोई आर्क निकाली है एक अमाउंट से ए फॉर आर्क, प्रेस कीजिए एंटर, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और यहाँ पे थर्ड पॉइंट। जैसे ही मैं आर्क कमांड यहाँ पे एंड करूँगा और यहाँ से टूल लूँगा कंटिन्यू आर्क का, जैसे मैं इस टूल को ले लूँगा तो यहाँ पे देखिए जो मेरा एंड पॉइंट था रिसेंटली आर्क का, वही मेरा अभी स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। तो सिंपली आप कंट्रोल की होल्ड करके आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर्क बन चुकी है। तीसरी बार मैं लेता हूँ कंटिन्यू आर्क का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिसेंटली आर्क एंड हो चुकी है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। सिंपली आप दोबारा लीजिए, इसे ले लेता हूँ कंटिन्यू आर्क का। ओके, अभी मुझे रिसेंटली कमांड रनिंग थी कंटिन्यू आर्क की। अगर मैं फिर से एंटर दबाऊंगा तो आर्क कमांड ही रन होगी, लेकिन ये टूल रन नहीं होगा। चलो ट्राई करते हैं कि रिसेंटली मैंने कंटिन्यू आर्क का ही टूल लिया था, तो प्रेस करता हूँ एंटर। ये रेगुलर आर्क कमांड एक्टिवेट हो चुकी है जो थ्री पॉइंट आर्क की है, इनके स्पेसिफाइज फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो ये कुछ ट्रिक थे और ये पूरे 11 ऑप्शंस थे जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट कीजिए, एज सून एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।